साहब, सुमन नगर पुलिस स्टेशन यहाँ से 4 कदम की दूरी पर है। अब मैं इसके आगे और नहीं जाऊंगा साहब। ठीक है। किलोमीटर, ओके। सुनिए साहब, साहब जब से आप टैक्सी में बैठे हैं तब से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था साहब। कौन सी बात? साहब इतनी गर्मी में आपने ये क्या पहन रखा है? ये ओवरकोट, ये हैट, ये चश्मा, साहब क्या किसी फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं आप? अपने काम से काम रखो। साहब, साहब आपका ये हाथ? हाथ? मेरे हाथ का क्या? साहब, मैं आपके हाथ के आर-पार देख सकता हूँ साहब। अपने काम से काम रखो। साहब, साहब आपके हाथ में छेद है और मैं उसके आर-पार देख सकता हूँ साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा। तूने बहुत कुछ देख लिया। ये क्या साहब? अब तेरा टाइम खत्म। सर यहाँ पर भी मोमबत्ती नहीं है। ये पारगट भी रोज होने लगा है। इंस्पेक्टर सीमा के कमरे में जाकर देखो, अंदर जाकर देखो, कोई मोमबत्ती है क्या? नहीं सर, मोमबत्ती तो अंदर भी नहीं है। I'm afraid, जब तक लाइट नहीं आती सर, हमें टॉर्च से ही काम चलाना पड़ेगा। साहब टॉर्च मिल गई है। लो टॉर्च मिल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोल के बंद किया कर। ऐसा लगा कोई अंदर आया। हाँ आवाज तो सुनी है, लेकिन कोई अंदर कैसे आ सकता है? हम लोग यहीं पर तो खड़े हैं। शायद दरवाजा हवा से ही बंद हो गया होगा। हवा से कैसे बंद हो सकता है? ये फाइल मेरे काम की नहीं, पार्ट में दूसरी देख। चलकर वायरलेस से कंट्रोल रूम से पूछते हैं या लाइट कब आएगी। चलो चलते हैं। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं यही रुकूंगी सर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं बाहर जा रहा हूं। ये मेरे केस की फाइल, ये पहला विटनेस, ये दूसरा, ये रहे सुरेंद्र और रोशन। सीमा, हमने तो किसी को भागते हुए नहीं देखा। तो सर ये कुर्सी अपने आप कैसे उलट सकती सर? ये कुर्सी अपने आप उल्टी नहीं, अंधेरे में तुम इसे टकरा गई होगी और ये गिर गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है।
मैं सच बोल रही हूँ, कोई यहाँ था सर। क्या हुआ? एक लाश मिली है सर। लाश मिली है कहाँ? यही पुलिस स्टेशन के बाहर 50 मीटर की दूरी पर। सर, आदमी को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से इसका खून किया हो। इससे साफ जाहिर होता है कि खून का मकसद चोरी नहीं था। अब हमें यह पता चलना चाहिए कि खून किसने किया और क्यों। देखिए वहां से कुछ कपड़े मिले। लगता है इस चाकू से इसका खून कर दिया गया है। ये देखो। ये तो खूनी के कपड़े दिखते हैं। सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। खूनी ने खून करने के बाद ये कपड़े क्यों उतार दिए? और सर ये पट्टियां, ये देखिए, इन पट्टियों से उसका क्या काम हो सकता है? सर, सर ये देखिए पैरों के निशान। ये निशान तो सड़क पर आगे तक जाए। ये निशान तो पैरों के निशान पुलिस स्टेशन के अंदर तक। ये निशान तो अलमारी तक जा रहे हैं। इसका मतलब खूनी आया था। लेकिन हम लोग तो हर वक्त यहाँ मौजूद थे, फिर वो कब आया और कब गया? सर, मैंने आपसे कहा था ना सर, यहाँ कोई था। मैंने खुद किसी के कदमों की आहट सुनी थी सर, और उस वक्त ये अलमारी भी खुली थी। हो सकता सर कि ये कदमों के निशान उस वक्त अंधेरे की वजह से हमें ना दिखाई दिए हो। खूनी जो भी था और जैसे भी अंदर आया, सवाल ये उठता है कि उसे इस अलमारी में से चाहिए क्या था। इस अलमारी में तो पुराने केसेस की फाइलें, उन मुजरिमों की फाइलें जिन्हें सजा हो चुकी है, और उन गवाहों के पते और नाम हैं जिनकी गवाही से उन्हें सजा हुई है। इसका मतलब तो साफ, वो जो कोई भी था उसे अलमारी से फाइल चुरानी थी। ये काम भी ढंग से नहीं कर सकता। नहीं मैंने नहीं तोड़ा। मुझे किसी ने धक्का देकर ये ट्रे गिराई है। धक्का देकर? दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? यह कौन है जो तुम्हें धक्का देगा? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कोई है। अपनी गलती छुपाने के लिए कहानियां मत बनाओ। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से कपड़ा लेकर आओ और ये सब साफ करो। जी। हे भगवान, सच कह रहा हूँ, बहाने बनाना तो कोई नौकरों से सीखते। अब जाओ जल्दी से। पहचाना नहीं मुझे?
आज से 5 साल पहले तुमने मुझे बराबर पहचाना था। 5 साल पहले कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझे नहीं देख पा रही? देखो मैं कुर्सी पे बैठा हूं। कौन हो तुम? तारा। तारा? हाँ वही तारा। याद है आज से 5 साल पहले शिनाख्त परेड में तुमने मुझे बराबर पहचाना। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के 5 साल पागल खाने में बीते। पागलों की तरह मैंने उसी दिन सोचा जब मैं बाहर छुटूंगा तब तुमसे पतला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। समझती क्या हो? मेरे खिलाफ बयान दे रही हो मेरे सामने? बस मत ना। हेलो सुमन नगर पुलिस स्टेशन। क्या कहा? हम पहुंचते। सर समझ में नहीं आ रहा है कि उस नौकर की बात का यकीन करे तो कैसे करे, लेकिन सर उसने काफी कुछ ऐसा कहा है जैसा कल रात पुलिस स्टेशन में मेरे साथ हुआ था। सर कोई मुझे धक्का मार के भाग जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन सर मुझे तो सिर्फ धक्का लगा था, यहाँ तो खून हो गया। बस सिर्फ इस बात का यकीन किया जा सकता है कि एक खून हुआ है क्योंकि लाश मेरे सामने पड़ी, बाकी सब बकवास है कि कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। इस फ्लावर पॉट से इस औरत का खून हुआ है, कोई चीज चोरी भी तो नहीं हुई। हाँ अब याद आया, तारा के केस में इस औरत ने गवाही दी थी। तारा का केस? हाँ सीमा, 5 साल पहले की बात है। दारा नाम के एक पागल खूनी का केस मेरे हाथ में था। शिनाख्त परेड में इस औरत ने उसे पहचाना था। ये रही दारा के केस की फाइल। ये क्या? इस पर तो खून के धब्बे। इस फाइल के कुछ पन्ने भी गायब हैं। हाँ, वही पेज जिस पर विटनेसेस के नाम और पते थे। अब समझ में आया, जिस किसी ने भी कल रात को टैक्सी ड्राइवर का खून किया, खून करने के बाद वो इस पुलिस स्टेशन में आकर इस फाइल में से वो पेज चुरा कर चला गया। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि उसने इस फाइल में से पता चुराया, रोशनी के घर गया और वहां उसका खून कर दिया। हाँ ये आदमी या तो खुद दारा है या उसका कोई दोस्त है जो उसका बदला लेना चाहता है। ये दारा कौन है सर? एक पागल खूनी जो रात को किसी सुनसान जगह पर अकेला छुपकर अपने शिकार को मारता था, फिर एक रात को रोशनी और सुरेंद्र ने उसे एक आदमी का खून करते हुए देखा। रोशनी और सुरेंद्र के बताए होलिये पे हम लोगों ने एक तस्वीर बनाई और कुछ लोगों को पकड़कर इस पुलिस स्टेशन में ले आए। उस खूनी के आइडेंटिफिकेशन के लिए रोशनी और सुरेंद्र को यहीं बुलाया। सीमा मुझे अभी भी याद है, यहीं इसी कॉरिडोर में वो आइडेंटिफिकेशन हुआ था और रोशनी ने यही दारा को पहचाना था। आ जाओ, घबराओ मत, मैं हूं तुम लोगों के साथ। आ जाओ ना, आ जाओ। इन्हीं लोगों में से कोई एक होगा, गौर से देखो और बताओ कौन है वो। क्या ये है? ये नहीं,
लिए है? ये नहीं, ये है, गौर से देखो और ठीक ठीक पहचानना, ये है नहीं, ये है। मतलब दारा को फांसी हो गई? नहीं, कोर्ट में यह साबित हुआ कि वो पागल था, तभी वो फांसी से बच गया। उसे नागपुर के मुजरिमों के पागलखाने में रखा गया था, अब भी उसे वहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन फिर ये सब एक मेंटल असाइलम नागपुर। हाँ, मैं मुंबई के सुमन नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर कैलाश बोल रहा हूं। जी, 5 साल पहले दारा नाम का एक मुजरिम आपके असाइलम में रखा गया था, उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। क्या? कब? ओह माय गॉड। सर, क्या कहा उन्होंने? पिछले 4 दिनों से दारा पागलखाने से गायब है, नागपुर पुलिस उसे तलाश कर रही। सर, तारा ने एक गवाह रोशनी का खून करके उसे तो खत्म कर दिया है, अब दूसरे गवाह की बारी है सर, सुरेंद्र की। चाकू को थोड़ा उससे दूर रखिए, मेरा विश्वास कीजिए, सुरेंद्र यहां नहीं रहता है। तो कहां रहता है बता, लेकिन सच बता। वो आदर्श नगर में कहीं रहता है, उसका पता मुझे नहीं मालूम। ठीक है, एक आदमी को इतनी बड़े जगत घूमने के लिए मुझे दूसरे लोगों को पूछना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। वो चादर मुझे दे दो, चादर दे दो। लाओ। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। सर, पूरा 1 घंटा हो गया है, आपको पूरा यकीन है कि दारा यहाँ जरूर आएगा? दारा यहाँ जरूर आएगा, उस वक्त मैं तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ। सुरेंद्र, उसे पहले अंदर आने देना, समझे? सुरेंद्र, याद रखना, उसे पहले अंदर आने देना। डरो नहीं, वो जैसे ही अंदर आएगा हम उसे गिरफ्तार करेंगे। जाओ। तो आखिर मैंने तुझे ढूंढ के लिया है? ये नहीं हो सकता। तू क्या समझता था घर बदल लेगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। बचा, बचा। रुक जा दारा, रुक जा, मैं तो दारा हूँ। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो अपना चेहरा दिखाओ, कम ऑन, अपना चेहरा दिखाओ। उतारो चेहरा दारा, अपना चेहरा दिखाओ। ये देखो।